मैं डॉक्टर आलोक कुमार उदिया, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट और एंडोवैस्कुलर सर्जन सीएचएल हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हूं। आज हम आपसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी से कैसे विभिन्न है? जैसे हम सब लोग जानते हैं कि रेडियोलॉजी में सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई के माध्यम से मरीज को देखकर हम उसकी बीमारी का पता लगाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में रिपोर्ट करना बोलते हैं या बीमारी का पता लगाना बोलते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम लोग सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे के माध्यम से मरीज का ट्रीटमेंट भी करते हैं, पतले सुई के द्वारा, तार के द्वारा, जिसमें ना कोई टाका लगता है, ना कोई चीरा लगता है, ना कोई दर्द होता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे नंबर वन, शरीर में कहीं भी नस बंद हो, जैसे पैरों की नसों का बंद होना, दिमाग की नसों का बंद होना, गले की नसों का बंद होना, पेट की नसों का बंद होना, उसे हम एंजियोग्राफी या तार के माध्यम से स्टेंट डाल देते हैं या गुब्बारा फुला देते हैं। नंबर दो, शरीर में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो जाना, जैसे दिमाग के अंदर गुब्बारा फट जाना, जिसे हम एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, उसमें हम एंजियोग्राफी के माध्यम से कॉइल डाल देते हैं। पेट के अंदर ब्लीडिंग हो जाना सर्जरी के बाद में या सर्जरी के पहले, उसमें हम एंजियोग्राफी के माध्यम से पदार्थ डालकर उस नस को बंद कर देते हैं। या कहीं चोट लग जाती है, जिसे हम एक्सीडेंट कहते हैं, उसमें हम एंजियोग्राफी के माध्यम से, जैसे लीवर की नस को चोट लग गई तो हम एंजियोग्राफी के माध्यम से उसको तुरंत नस को बंद कर देते हैं या रिपेयर कर देते हैं। नंबर थ्री, कैंसर पेशेंट्स। कैंसर पेशेंट्स के अंदर सैंपल निकालना, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट सबसे पहले बायोप्सी से ही स्टार्ट होता है, जिसे हम सोनोग्राफी के माध्यम से या सीटी स्कैन के माध्यम से हम छोटा टुकड़ा निकालकर उसको जांच के लिए भेज देते हैं। या कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है, जैसे लीवर कैंसर में हम निविल डालकर उसको जला देते हैं या खत्म कर देते हैं। नंबर चार, ग्लूकोज वेंस, जैसे हम नसें फूली हुई होना भी कहते हैं, इसमें हम लेजर के माध्यम से उस नसों को खत्म कर देते हैं, जिसे लेजर का ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसमें मरीज को अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता है। नंबर पांच, शरीर पैरों की नसों के अंदर क्लॉट बन जाना, जिसे हम डीबीटी भी कहते हैं, जो हमने अभी बहुत कोविड के टाइम में बहुत सुना है कि नसों के अंदर क्लॉट बन गया है, जिसे हम एंजियोग्राफी या तार के माध्यम से क्लॉट को निकाल देते हैं। नंबर छह, दिमाग की नसों के अंदर गुब्बारा बन जाना या गुच्छा बन जाना, जिसे एन्यूरिज्म या एवीएम भी कहते हैं, उसमें हम एंजियोग्राफी के माध्यम से जाकर उस नस को रिपेयर कर देते हैं या उसकी कॉइलिंग कर देते हैं। नंबर सात, रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हो जाना, जिसमें हम लोग नीडिल के माध्यम से सीमेंट इंजेक्ट कर उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, ताकि मरीज का पेन भी कम हो जाता है, साथ ही साथ मरीज का स्पाइन का समस्या भी खत्म हो जाता है। नंबर आठ, गर्भाशय की रसौली, जिसे हम यूटराइन फाइब्रॉइड भी कहते हैं, इसमें हम एंजियोग्राफी के माध्यम से नसों को बंद कर देते हैं, जिससे रसौली समय के साथ सूख जाती है, साथ ही साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भर गायब हो जाती है। अब यह इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नॉर्मल सर्जरी से कैसे डिफरेंट है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा जो मरीज ठीक किए जाते हैं, उनको अस्पताल में कम समय के लिए रखना पड़ता है, उनमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, कोई टाका नहीं लगता है, और साथ ही साथ पेशेंट की मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु होने की संभावना भी बहुत कम होती है, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट को कट नहीं करते हैं, जस्ट नीडल या तार के माध्यम से पेशेंट को ठीक करते हैं। तो शरीर में अगर किसी भी तरह की नसों की समस्या हो, तो सबसे पहले हमको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को दिखाना है, उसके बाद उसका इलाज करवाना है, और अगर इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।